अरे क्या देखा आपने, डिसिप्लिन क्या डिसिप्लिन बेटा साहब, दो सेकंड, दो सेकंड। अरे मैंने गलत बात सुनता नहीं, मैंने क्या गलत कह दिया आपको, गलत तो उसने कहा था लोन ने, लोन ने क्या कहा था सुना आपने? हम बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता दें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम उसके बीच में नहीं बेटा साहब। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं तृप्ता थापर, करगिल में शहीद कैप्टन विजयन थापर की माँ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं MS बिट्टा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे। साथ ही साथ गीता भट्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, RSS समर्थक हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत। बेंगलुरु से मनीषा प्रियम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी इस चर्चा में। श्रीनगर से इरफान हफीज लोन कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और मुंबई से नेत्री भट्ट जो कश्मीरी पंडित हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ आज शिरकत कर रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। बिट्टा साहब, मुझे आप ये बताइए कि भारत की पॉलिसी जो है वो अमेरिका की तर्ज पर, इसराइल की तर्ज पर क्यों नहीं हम देख सकते? जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर, क्या हमारा देश, हमारी सेना इतनी लाचार है? देखो मैडम, कई सालों से ये लड़ाइयों को हम देख रहे हैं, खुद भी शरीर पे बम खाए हैं और जवानों को घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में रोज आते हुए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या हम पंजाब की तरह इस आतंकवाद के ऊपर ऑल पार्टी, जैसे शर्मा जी ने बोला, ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके एक विचार करेंगे कि कश्मीर के अंदर और किस तेजी से लड़ाई लड़ी जाए? क्या महबूबा मुफ्ती का कभी ना कभी बीजेपी अपना साथ छोड़ेगी? सवाल सबसे बड़ा कि वक्त देखो थोड़ा है, चुनाव आने वाला है, आगे क्या होगा पता नहीं। मैंने तो जवानों के सिर उड़ते हुए देखे हैं और परिवारों को अभी तक मैं रुलते हुए देखता हूं। अभी मनदीप सिंह, यही GTV में बहस हुई थी, उसकी बॉडी आई नहीं थी दिवाली के दिन, उस मनदीप सिंह की पत्नी का हशर क्या हरियाणा सरकार ने वहां पे किया? सवाल है कि जवान आ रहे हैं, जवान कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़ा है, वो तैयार रहेगा, वो अपने बच्चों को तैयार करेगा, पर यह लड़ाई एक खत्म होनी चाहिए, गोली का जवाब और गोली तेजी से होना चाहिए। रमजान के वक्त बिल्कुल सीज फायर के बात करना ये कोई चर्चा ही नहीं है, वही एक टाइम था कि आतंकवादियों को मौका मिला और उन्होंने शुरुआत कर दी। ये बिल्कुल जिस तरीके से पहले हो रहा था गोली का जवाब, मैंने ये कहता कि गोली का जवाब गोली नहीं है, बिल्कुल गोली का जवाब आज पूरे 3 साल के अंदर ठोक के दिया जा रहा है, पहले भी दे रहे होंगे पर ठोक के दिया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं, बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं। पर हम ऑल पॉलिटिकल पार्टी कब एक मुद्दे के, आतंकवाद के मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे के ऊपर एक विचार रखेंगी? जितनी देर तक सारी पॉलिटिकल पार्टी विचार यहाँ आएंगे चले जाएंगे, मंच पर आ भी पाएंगे क्या नहीं? और आतंक का दंश जिन्होंने झेला है, हमारे साथ तृप्ता जी हैं, और क्या एक दर्द होता है परिवार वालों को जब वो अपने को खोते हैं ऐसे युद्ध के दौरान, और जो शहादत देते हैं हमारे जवान, ये दर्द उनके जरिए अगर हम उनकी जुबानी सुने तो शायद इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है। सब कुछ तो ट्राई कर लिया, इतना रहने बिट्टा साहब आपको बताएंगे कैसे आप स्टोन पेल्टर्स जो वहां पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिए गए, कितने मौके देंगे? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे जवानों के ऊपर जब पत्थर पहचे जाते, वो आपके जवान भी हैं, वो आपके आपकी कश्मीर, नहीं मेरी बात सुनिए, आपके कश्मीर की रक्षा करते हैं, ये वही जवान जब बाढ़ आई थी वहां पे और जवानों ने मौत का कफन बांध करके, चाहे वो कोई आतंकवादी था, आतंकवादी के परिवार का था, चाहे मेरी बहन थी, भाई था, अपने सीने पे मौत का कफन बांध के, जो है ये तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपको याद है ये आतंकवाद का मुद्दा नहीं है, कौन सा मुद्दा है? राजनीतिक मुद्दा है, आपको समझना चाहिए, कौन सा समझना चाहिए? आप ये बताइए, आपको ये बताना चाहता हूँ, आप राजनीतिक तरीके से किस तरीके से चाहते हैं बताइए, क्या आप कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं? वो तो हो नहीं सकता। हाँ, आप मेरी कश्मीर बात हमारा है, अच्छा और हमारा आपने। आप बताइए, आप नरसिम्हा राव जी जो थे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हाँ। उन्होंने कहा शॉर्ट ऑफ आजादी स्काई विल बी दी लिमिट।
आपको बताना चाहता हूँ, वाजपेयी जी ने कहा इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत के दायरे में जैसी आजादी आप चाहते हैं वैसी आजादी नहीं मिल सकती। वर्किंग कश्मीर हिंदुस्तान कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। रोज जवान लाठियां खाते हैं, पत्थर खाते हैं, जब गोली चलाते हैं बचाने के लिए तो फिर उनके उनके साथ क्या हशर करते हैं आप? संविधान के कल के जो लोग थे वो कश्मीर के थे, कश्मीर के थे, हिंदुस्तान के थे। क्या उसकी वी आर वर्स्ट विक्टम, आप हमारी पीड़ा किस बात के विक्टम है आप बताइए ना। जवान हमारे शहीद होते हैं, विक्टम आप होते हैं। जवान हमारे शहीद होते हैं, कश्मीर की धरती लहू लुहान होती है, विक्टम आप होते हैं। विक्टम आप होते हैं। 80,000 करोड़ का शहीद होते हैं, जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए जवान शहीद होते हैं। वो आपके जवान नहीं जिन्होंने बाढ़ के अंदर अपनी बहनें भाई अपनी बहुएं सबको बच्चों को बचाया था, वो नहीं, वो जवान नजर नहीं आते आपको? वसुदेव कुटुंबकम तो ये था जो कल शहीद हुए हैं उनके बारे में बताइए, उनके बारे में बताइए जो शहीद हुए हैं। जो जवान कल शहीद हुए हैं उनकी निंदा होगी या पत्थर चलाने वालों की निंदा होगी? ये जवाब दीजिए, सीधा सीधा जवाब दीजिए। एक ही सवाल कश्मीरी पंडितों को निकालिए, जो कल शहीद हुए मानी चाहिए उसका क्या जवाब है? उसको आपने पुरस्कार दे दिया, मेजर आदित्य ने आपकी शक्ल पे थोड़ा सा भी जो मेजर गोगोई ने किया था वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। यहाँ पर 6 लोग हैं, यही सवाल मेजर गोगोई ने किया था वही होना चाहिए। आप लोग राजनीति, आप राजनीति करते हैं, आज आप राजनीति कर रहे हैं। जो शहीद हुए उनके बारे में बोलिए, उनके बारे में बोलिए, जो कल शहीद हुए क्यों नहीं बोल रहे आप? आप किस बात के विक्टिम है? जवानों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जवानों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, पाकिस्तान के इशारों पे गोलाबारी होती है, हमें कितना दर्द हो रहा है। अरे अरे कहाँ से पैसा आता है आपके पास? कहाँ से पैसा आता है पाकिस्तान से? आपके लिए ये मौज मस्ती है। कौन सी मौज मस्ती है? मौज मस्ती आपके लिए अभी थप्पड़ खाती है, अभी थप्पड़ खाती है, मालूम बता रहा है आपके बच्चे, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपके बच्चे। आवाज सुनिए जरा, आपको समझ में आएगा कि सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। मारा गया, करिए आप, कौन मारा गया? अभी मैं आप ब्राह्मणी कौन था, ब्राह्मणी कौन था बताइए, कौन था, कौन था गोली से, कौन था? आपने कश्मीर बंद कर दिया, आप पैसे नहीं मांगते, कोई पैकेज आपको मिलने वाला नहीं। आप इस तरीके से जवानों का कत्लेआम करेंगे, कोई पैकेज दे हम विरोध करेंगे उसका, आप गलत है। संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट कहता है, अरे कोई रिपोर्ट नहीं कहता, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, याद रखिएगा। आप राजनीति करते रहिए, आप राजनीति करते रहिए। रिपोर्ट सुनिए जरा, आप राजनीति करते हैं, गीता जी की बात सुन लीजिए, जिन्होंने खोया है अपने बेटे को एंड सीने पर गोलियां खाई है उन्होंने, इतने जवान खोए जाए इनको कुछ नहीं है। इसके बाद हम अपने जवानों को खो रहे हैं, ऊपर गोलियां चला रहे हैं, इनको उनका फिक्र है, इनके बच्चों का फिक्र है। सीता जी जरा बताइए इन्हें, आज कल एक जर्नलिस्ट मारा गया, आप देखिए मारा नहीं गया, शहीद हुआ है, शहीद हुआ है, मारा नहीं गया है, शहीद हुआ है। आप इस पे राजनीति करना चाहते हैं? शहीद हुआ है, और शहीद इसलिए हुआ है, शहीद हुआ है, शांति के लिए लिख रहा था, वो शांति की बात करने लगा था। हाँ वो शहीद किया है, माफ नहीं करेगा। आपके सामने पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, आपके सामने पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं हम हिंदुस्तान में पले हैं, जन्मे हैं, यहाँ का नमक खाते हैं। बोल दीजिए आप हिंदुस्तानी हैं, बोलो हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का नमक खाके पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे आप तनख्वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, आप ये कहते हैं, आप बोलिए ना, बोलिए, ऐसी भाषा बोलते हैं। कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, कौन था राजनीतिक मुद्दा, कौन था? अरे कश्मीर हिंदुस्तान से मेमोरियल, कश्मीर हिंदुस्तान से कभी साहब किसी और बोल पाएंगे। बिंद्रावाला का
का मेमोरियल गोल्डन टेंपल में बीजेपी और अकाली दल वालों ने बनाया। तो क्या पंजाब के अंदर खालिस्तान बनने दिया और हमें यहाँ अरे शरीर में बम गोलियां खाए? क्या पंजाब के अंदर हमने खालिस्तान बनने दिया तो कश्मीर भी हिंदुस्तान से बाहर नहीं हो सकता? याद रखना, याद रखना, पंजाब में बहुत गोलियां चली और पंजाब के अंदर पंजाब को नहीं दिया और कश्मीर भी हिंदुस्तान से जुदा हो गया। क्या दलीलें बोलते हो? एक बात वो नहीं बोलेंगे कि मैं निंदा करता हूं, हमें उनसे बुलवाना भी क्यों नहीं बुलवाना? अरे सर सुन तो लीजिए, आप बुलवा के एक घंटे में बुलवा के और जम्मू कश्मीर समस्या सॉल्व करवा लीजिए, मैं शांति से बैठा। ये तो ऐसे गोली का जवाब गोली चलता है। खामोश नहीं हूँ मैं, मैं खामोश नहीं हूँ। ला लीजिए ना, चार साल से मोदी जी चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया जरा बता दीजिए। अरे साहब 4 साल से मोदी जी भाषण दे रहे हैं, क्या रिजल्ट निकला हमें आपको? वो भाषण की बात कीजिए, मेरे से मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं चिल्लाने से अगर जम्मू कश्मीर समस्या सॉल्व होती तो मैं आपसे किसी को होती है तो होती है, आप चिल्लाइए खूब और सॉल्व हो जाएगी, मैं शांति से बैठा। बात कर रहे हैं 4 साल में देश ने देखा है केवल और केवल जुमलेबाजी और नफराजी की। हमारे से बात मैसेज दे रहे हैं ना, ये सामने बैठे साहब, अगर ये देशद्रोही है तो वहाँ पर भाजपा की सरकार है, इसको अरेस्ट क्यों नहीं करते हम? मैं कह रहा हूँ अगर वो देशद्रोही है तो आज जी न्यूज पर क्यों बैठा है? उसको अरेस्ट करवाइए, जबरदस्ती भाषण में भी करते रहिए। जी ने भाषण विचार रखे हैं, पिछले 50 साल जो आज किया है, जो देश कहने में क्यों हिचक है? सवाल मोदी जी का नहीं, सवाल इनका है, क्या गोली का जवाब गोली? मुझे केवल ये बताइए, हम बेटा साहब बड़ी शांति से सुना, बड़े वरिष्ठ लीडर रहे, चलाने वाली बात नहीं, ये बात आप नहीं, मुझे केवल नकली राष्ट्रवाद छोड़ दीजिए। आलोक जी अगर ये कहें मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं 7 साल की उम्र में कांग्रेस में आया था, पंजाब के अंदर टेररिज्म के ऊपर लड़ाई लड़ी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक मूवमेंट है, हम चलते हैं। जहां प्रथम राष्ट्र है वहां ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना सीपीएम है, ना सीपीआई है, प्रथम राष्ट्र, उस पर कभी हम कंप्रोमाइज नहीं करते। पहले भी जवानों के सिर कटते थे, क्या होता था वो भी हमने देखा है। सवाल एक मिनट ना बीजेपी लेकर ना बीजेपी ना बीजेपी ना कांग्रेस मेरी बात सुनिए ना बीजेपी ना कांग्रेस प्रथम राष्ट्र 2 मिनट अरे भाषण क्या, अरे भाषण क्या, ये शरीर दिए भाषण छोड़, भाषण छोड़ो। अरे आपको आपको क्या तकलीफ होती है जब हम बोलते हैं? आप बोलते हैं हम बोले सरकार से 2 सवाल नहीं पूछ सकते? क्या सवाल पूछिए ना जो हालत हो रही है, क्या हालत हो रही है? गोली का जवाब गोली जनाब दिया जा रहा है। अगर पूछवाना चाहते हो तो गोली का जवाब गोली भी है, जवाब है तो फिर नहीं, आप सरकार के फेवर में बुलाना चाहते हो तो बुलवा लो। नहीं नहीं आप बोलिए, नहीं बुलवा लो फिर तो। मैं तो न्यूट्रल होकर बात करना चाहता हूँ, क्या गोली का जवाब नहीं दिया जा रहा? क्या ऑपरेशन नहीं हुए? मानता हूँ ऑपरेशन बंद कर दिया अनकंडीशनल, ये सवाल ये है, आप उस पर नहीं जाएंगे? नहीं क्या जाएंगे? मैंने कहा गलत है, वो गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसके बाद भी कल गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई, उसका उत्तर क्यों नहीं आया? हर बात राजनीति लड़ाई जवान कहते चलाते हैं कांग्रेस बीजेपी। मैं इसका उत्तर देता हूं, हर चीज राजनीति क्यों आई?
क्योंकि जो डिसीजन हुआ सीज फायर का एक तरफा अनकंडीशनल, अरे हमने एक मिनट सर सुनिए ना, आप जरा सुनता हूँ, आर्मी का डिसीजन नहीं किया पहले भी, सर सुनिए ना, बार बार आप चलाने की बात करते, क्या तकलीफ है आपको, क्या चलाने की बात, आपका बोलने का तरीका आपका अपना है, दूसरे का अपना है, अपने ऊपर नहीं, फिर किसको कहते हैं आप, सुनाते किसको, खुल के बोलो ना, नाम अभी बताता हूँ, नाम बोलो मोदी जी की, नहीं नाम बोलो उसका, बोलो जो हमारा बोलो, मैं बताता हूँ अभी, मैं तो मोदी जी की, नहीं नहीं, अरे उनको बोलिए ना, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप, नाम लीजिए, मैं आपसे इतना सवाल पूछ रहा हूँ ना, कोई उत्तर मांग रहा हूँ, क्यों उत्तर मेरे से, किस चीज पर, किस मांग नहीं रहा, फिर आलोक जी मांग नहीं रहा, फिर वही पेटी बोल रहे हैं, हमारे टाइम पे कुछ नहीं, आलोक जी इससे इससे कश्मीर की समस्या जो है ना वो नहीं सॉल्व होगी, एक घंटे में समस्या सॉल्व हो जाएगी, कश्मीर की समस्या ऐसे नहीं, कोई एक घंटे में आप कर रहे हैं, सवाल तो पूछा ही आना चाहिए, मेरा तो पाकिस्तान वीजा लगा के भेज देना चाहिए, और इरफान लोन जरा जवाब दीजिए, जरा आतंकियों के कब्र खोदने का वक्त आ गया है या नहीं आ गया, जवाब दीजिए, आपकी दादी इसीलिए डर रहे हैं, मुझे डिस्कशन वाइंड अप करना, उससे पहले मुझे जवाब दीजिए, क्यों एक मिनट बेटा साहब, इरफान लोन को जरा सुन लीजिए आप, मैं किस बात पर, जब तक देखिए ये लोग जो हैं ये भाषा बोलेंगे ये देश बदलने वाला नहीं है, बहुत अच्छा, इतनी बातें कर रहे हैं, इनको मेरा जो काम है करने वाला, सवाल अच्छा पूछा आपने, कितने लगते हैं अब आप उत्तर सुनिए, आप क्यों कह रहे हैं, आप बोला आप उत्तर सुनिए, लगते हैं, अरे भाई आप मेरे बीच में क्यों बोलते हैं, किस बात के कूदने, चलाना कूदना क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे जब मैं सब सवाल पूछ रहा हूँ, बात पर सवाल पूछ रहा हूँ, बैठिए ना, तो आप बैठाने वाले कौन, आप बैठिए खड़े रहिए, जो आपको करना कीजिए, मैं डिसिप्लिन में हूँ, आप डिसिप्लिन में नहीं है, आप डिसिप्लिन में नहीं है, अरे भाई मैं डिसिप्लिन में हूँ, आप नहीं, बड़े देखा कोई बात नहीं, समझ गए बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका हमने भी देखा है, अरे क्या देखा आपने, डिसिप्लिन क्या, डिसिप्लिन बेटा साहब, दो सेकंड, दो सेकंड, अरे मैं भी गलत बात सुनता नहीं, मैंने क्या गलत कह दिया आपको, गलत तो उसने कहा था, लोन ने क्या कहा था, सुना आपने, हम बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता दें आपसे रिक्वेस्ट है, कांग्रेस बीजेपी लड़ाई लड़े, हम उसके बीच में नहीं, बेटा साहब, अरे तेरे आतंकवादी कहने से हम आतंकवादी बन जाएंगे, प्रथम राष्ट्र हमारा मकसद है, आतंकवादी वो है, जवाब 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 कर दीजिए, वो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, वो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं ना, कौन करता है, कौन लोन, मोदी जी कौन करता है, मोदी जी ने छोड़ा है, जो पत्रकार शहीद हुआ है उसके बारे में बोलिए, औरंगजेब के पिता और मां को देख लीजिए, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते, कल जवान शहीद हुआ उसके बारे में बोलिए, आप लोग खुद हो गया रहम, अब आतंकियों की खुदेगी कब्र तैयार हो जाइए आप, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, चर्चा में शामिल होने के लिए।